हेलो नमस्ते सलाम वेलकम टू माय शो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, जिसको देखकर आपको एंटरटेनमेंट की खबरें तो पता चलती ही हैं, साथ ही सारे टेंशन भी आप भूल जाते हैं। तभी तो मैं आपके लिए लाती हूँ खास ये शो। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का सफर। सलमान खान के लिए बीता साल कुछ खास नहीं रहा। उनकी दो फिल्में आई, किसी का भाई किसी की जान कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, जबकि टाइगर 3 ने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया था। खैर, अब खबर ये है कि सलमान खान के करियर की बड़ी फिल्म जल्द ही आने वाली है, जो 400 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, बीते दिनों एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था कि ये किक 2 हो सकती है। हर तरफ खबरें चल रही थी कि सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला लंबे वक्त के बाद सीक्वल बनाने वाले हैं, लेकिन अब पता लगा है कि ऐसा नहीं होने वाला। सलमान खान की 400 करोड़ बजट वाली जिस पिक्चर को किक 2 कहा जा रहा था, वो कुछ और ही है। अब हाल ही में साजिद ने सोशल मीडिया के जरिए इन खबरों पर बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि किक का डायरेक्शन साजिद नाडियाडवाला नहीं बल्कि AR मुरुगदास बना रहे हैं। साजिद बस इस प्रोजेक्ट की देखरेख कर सकते हैं। इन खबरों के जानने के बाद फैंस भी सुपर एक्साइटेड नजर आ रहे थे। रणवीर कपूर इस वक्त नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर चर्चा में है, जिसमें वो प्रभु राम का रोल प्ले करते नजर आएंगे। जहां कुछ लोग इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में कैसे लगेंगे, वहीं अरुण गोविल का कुछ और ही कहना है इस पे। रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल ने राम के किरदार में रणवीर कपूर को हरी झंडी दे दी है। अरुण गोविल ने कहा है कि उन्हें लगता है कि रणवीर कपूर इस फिल्म में राम की भूमिका अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि रणवीर कपूर मेहनती और संस्कारी है। फिल्म मेकर बोनी कपूर ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये मीटिंग नोएडा में बनने जा रहे नई फिल्म सिटी से रिलेटेड थी। आपको बता दें, बोनी कपूर की बेव्यू प्रोजेक्ट्स और रियल स्टेट कंपनी भूटानी ग्रुप को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इसको डेवलप करेंगे। दोनों के मुलाकात की फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें वो दोनों पोज देते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोनी कपूर को लेटर ऑफ अवार्ड भी दिया, जो उन्हें प्रोजेक्ट से संबंधित फॉर्मेलिटीज को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बिग बॉस 16 के विनर MC स्टेन का यूट्यूब अकाउंट हैक हो गया है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फैंस को दी है। MC स्टेन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, फैंस किसी ने मेरा यूट्यूब अकाउंट हैक कर लिया है और मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, सब्र करो थोड़ा। इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी शेयर की, जिसमें उनके यूट्यूब वीडियो पर QR कोड शो हो रहा है। MC स्टेन ने कहा, QR कोड स्कैन मत करना, ना ही किसी लिंक पर क्लिक करना, कुछ भी हो स्कैम हो सकता है, पब्लिक किसी लिंक पर क्लिक मत करना। तो वहीं अगर आप इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक ऑफिस का काम करके थक चुके हैं, तो देखिए ये वेब सीरीज, जिसको आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो जैसे फेमस OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। सबसे पहले पंकज त्रिपाठी की फिल्म मैं अटल हूँ 19 जनवरी 2024 को थिएटर्स पर रिलीज हुई थी, तो अब आप उसको OTT प्लेटफॉर्म Zee5 पर आसानी से देख पाएंगे। वहीं मर्डर मुबारक 15 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। अगर आप पंजाबी मूवीज के शौकीन हैं, तो कैरी ऑन जट्टा भी आज रिलीज हो चुकी है Disney+ हॉटस्टार पर। तो वहीं साउथ मूवी हनुमान ने बॉक्स ऑफिस पर खूब तहलका मचाया था। तेजा सज्जा की ये मूवी अब OTT पर रिलीज होने जा रही है, जो Zee5 पर 16 मार्च को रिलीज होगी। फिलहाल के लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।